हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बस यही चाहता है कि उसकी जितनी भी धन की परेशानी है, कर्ज है, वह जल्दी से सब कुछ समाप्त हो जाए और इसके लिए कड़ी मेहनत, कड़े प्रयास भी वह करता है। लेकिन कई बार किस्मत का साथ ना हो पाने की वजह से कुछ भी संभव हो नहीं पाता है और ना ही मेहनत का या फिर कार्य का लाभ मिल पाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसकी बहुत सारी वजह हो सकती है, जैसे कि ग्रह दोष, पितृ दोष आदि वगैरह हो सकता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी खास चीजें बताई गई हैं जिनको अगर प्राप्त कर लिया जाए, जिन्हें साथ रख लिया जाए, तो फिर यह लक्की चार्म की तरह कार्य करता है। यानी कि इनसे किस्मत बहुत तेजी से ही बदल जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें अपनी ही प्राकृतिक शक्ति मौजूद रहती है और बस इन्हीं प्राकृतिक शक्तियों को अगर प्राप्त कर लिया जाए तो जीवन बदलते बिल्कुल भी देर नहीं लगती है और कोई भी चीज फिर रोक नहीं पाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी ही खास चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा पर हमेशा ही बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि गुलर का जो वृक्ष होता है, इसे भगवान नरसिंह का वरदान प्राप्त है, क्योंकि जिस समय प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह ने, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तो उसके बाद भगवान नरसिंह के नाखूनों में खुजली होने लगी, क्योंकि भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से ही हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो उसके कारण अपने नाखूनों की खुजली को शांत करने के लिए भगवान नरसिंह ने गुलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को घोप दिया, जिससे गुलर का वृक्ष पीड़ा से और कष्ट से उठ पड़ा। लेकिन भगवान नरसिंह की जो खुजली थी वह शांत हो गई। तो इस पर गुलर वृक्ष ने ये कहा कि हे भगवान नरसिंह, आपने तो अपनी पीड़ा शांत कर ली है, कृपया मुझे भी कोई वरदान अवश्य ही दें। तो इस पर भगवान नरसिंह ने गुलर के वृक्ष को वरदान दे दिया कि मैं स्वयं माता लक्ष्मी के साथ तुम्हारे वृक्ष पर विराजमान रहूंगा। तो इसीलिए गुलर के जो वृक्ष होता है, वह धन आगमन के लिए, कर्ज की समस्या को समाप्त करने के लिए, धन की जितनी भी परेशानियां होती हैं, बाधाएं होती हैं, या फिर दोष के कारण अगर धन प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो इन सभी चीजों को जड़ से मिटाने के लिए गुलर का वृक्ष एक रामबाण है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यह पितृपक्ष चल रहे हैं, तो इन्हीं दिनों में बस आपको इस महाप्रयोग को करना है, जिससे कर्ज की समस्याएं समाप्त होती हैं और धन आगमन निश्चित ही कहीं ना कहीं से बिल्कुल ही शुरू हो जाता है। इस प्रयोग को वो लोग भी कर सकते हैं जिनको नौकरी या व्यवसाय में कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करेंगे। तो इस प्रयोग को करने से निश्चित ही कहीं ना कहीं से रास्ता अवश्य ही निकलता है। आपको केवल इतना करना है कि पितृपक्ष में किसी भी गुरुवार के दिन गुलर वृक्ष की जड़ को आपको निकाल कर ले आना है और इसे धोकर अच्छी तरह से हल्दी में लपेट कर, पीले कपड़े में बांधकर भगवान विष्णु के चरणों में पूरे पितृपक्ष रखते हुए इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस इस प्रकार यह महाप्रयोग आपको करना है। पूरे पितृपक्ष जब तक समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक ही इस मंत्र का जाप रोजाना 11 माला तुलसी की माला या फिर हल्दी की माला से आपको जाप करना है। इसके बाद आपको इस जड़ को ऐसे स्थान पर पीले कपड़े में बांधकर रख देना है जहां पर धन आदि वगैरह आप रखते हैं। ऐसा करने से साक्षात भगवान नरसिंह लक्ष्मी माता के साथ विराजमान होते हैं। भगवान नरसिंह को शत्रु संहारक बताया गया है, यानी कि अगर आप इस प्रकार महाप्रयोग करते हैं तो इससे धन की परेशानी तो निश्चित दूर होती ही है और भगवान नरसिंह की कृपा से हर शत्रु भी रास्ते से बिल्कुल हट जाता है, यानी कि कोई शत्रु फिर बाधा उत्पन्न नहीं कर पाता है, क्योंकि जब भी जीवन में शत्रु बढ़ते हैं तो धन की हानि होती ही है और जब धन की हानि होती है तो शत्रु भी निश्चित ही बढ़ जाते हैं। इसीलिए इन दोनों ही चीजों का एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्शन होता है। जिसके शत्रु होते हैं वे कभी भी धनवान, अधिक धनवान नहीं बन पाता है और जो व्यक्ति अधिक धनवान हो वह कभी भी शत्रुओं के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। तो जिस प्रकार हमने आपको यह प्रयोग बताया है, बिल्कुल उसी प्रकार यह प्रयोग आपको करना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ गुरुवार या फिर शुक्रवार के दिन भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। और जब कूलर पेड़ की वृक्ष की जड़ आप लेकर आएंगे तो इसे एक दिन पहले निमंत्रण देना बिल्कुल भी ना भूलें। दूध, जल और चावल जरूर इस जड़ पर पहले चढ़ाएं। बस उसके बाद ही आपको यह जड़ लाकर पीले कपड़े में हल्दी में बांधकर रखनी है। इसी जड़ से आप और भी अधिक सिद्ध प्रयोग
कर सकते हैं जो आने वाले वीडियोस में हम आपको निश्चित ही बताएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो समय पर सबसे पहले आपको मिला करे। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।